नॉकआउट कर दिया राहुल ने। एवोल्यूशन इज ऑन ट्रबल, लेकिन एक बार फिर से महोबा के लाल आरडीपी का करी है कमाल। शॉट बाय आरडीपी, आरडीपी बनाम राहुल, राहुल बनाम आरडीपी, राहुल बनाम आरडीपी, राहुल आरडीपी इन्होंने क्वाड्रा किल कर दिया। Can you see the headset for RDP? RDP! So let me break, break, break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. You know I'm taking that crown from you. Well, वही 10-12 अंक मिला। ओह वाला शॉट बाय स्नाइपर गॉड, पहाड़ी के पास यहाँ पे AWM और खूबसूरत नॉकआउट, और आते ही अपने पहाड़ी भाई मेहुल को खत्म कर दिया रावण भाई इन्होंने। एक पहाड़ी दूसरे पहाड़ी का स्वागत है। माफिया बाला अकेले जो बचे थे अब वो भी एलिमिनेट हो गए हैं। लीजिए तो माफियाज के लिए अभी भी परिस्थिति काफी विकट। और दूसरी तरफ अगर आप देखें स्नाइपर गॉड पहाड़ी एक बार फिर से डबल किल, जिया गए जिनको रोकना बड़ा मुश्किल है जब ये अपने आगोश में खेले। और ये लीजिए, और ड्यूकर ने बताया ही था कि हमारी जो टीम है वो जबरदस्त फॉर्म में भी खेल के, उसके अलावा फोकस भी है, जॉनी भाई ने बताया था। चारों ओर नाइस शॉट, ट्रिपल किल पहाड़ी। रावण भाई सर पे कफन बांध के आए, इतने दिन जो ब्रेक लगी थी उसका लग रहा है एक ही बार में भरपाई कर देंगे। गॉड लाइक को समझ नहीं आ रहा है क्या किया जाए, ऐसा लगता है मानिए किसी भूत को देख लिया है उन्होंने। और इतना जबरदस्त दबाव महसूस कर रही है गॉड लाइक, सामने की तरफ एक पूरी टीम रहने वाली है 3X की भी, और टीम नंबर 11 यानी कि टीम डेड्रो। डेड्रो से बुया निकालना मुश्किल है। रावण भाई पहाड़ी ने एक और नॉक निकाल दिया, पहाड़ी ने चार किल, पहाड़ी चार किल निकाल चुके हैं, पूरी टीम के सारे किल पहाड़ी के हैं और रुकने का नाम नहीं ले रहे स्नाइपर गॉड पहाड़ी। सर पे कफन बांध के आई है, ओरेंगुटान को रोकना बड़ा मुश्किल। अमीन अनीस आए गॉड लाइक का बेड़ा गर्क कर गए, और गॉड लाइक भी लॉबी में वापिस। ओरेंगुटान यहाँ पे ऐसा लग रही है चल पड़ी है सीनातान, कोई नहीं रोक पा रहा इनको। और ओजी के फैंस यहाँ पे, मैं अभी तक तो कमेंट पढ़ा नहीं है लेकिन बावले हो रहे होंगे, ओजी को रोकना बड़ा मुश्किल है। चार किल यहाँ पे मैदान में लगा दिए हैं ओरेंगुटान इलीट ने, और जैसा नाम वैसा काम, बिल्कुल इलीट की तरह खेल रहे हैं। और एरर भारत के स्नाइपर गॉड के सामने पंगे ले रहे हैं, महंगा पड़ेगा ये पंगा। और यहाँ पे अगर आप हेडशॉट, ये गया एक और ये लीजिए रावण भाई डोमिनेटिंग अंदाज में आगे बढ़ते हुए। अब सिर्फ दो टीमें आमने सामने, डेड्रो और ओजी, डेड्रो और ओरेंगुटान आमने सामने। ऐसा लग रहा है घर से ही सेट होकर आई है रावण भाई ओरेंगुटान, ओरेंगुटान घर से ही सेट होकर आई है और रोकना मुश्किल है। मॉन्की को कह दिया गया है जाइए रश कीजिए। अमीन अनीस जरूर नॉकआउट हुए हैं लेकिन ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा नहीं क्योंकि पहाड़ी ने भी यहाँ पे एक नॉक निकाला था, पहाड़ी ने भी रिवाइव दे दिया। क्या सामने वाली टीम डेड्रो भी टोलेक को रिवाइव दे पाए के चेन आए यहाँ पे दो, तबाही का दूसरा नाम ओरेंगुटान, और बुया 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 भी कर दिया यहाँ पे ओरेंगुटान। बैटल के लिए मुसीबतों का पहाड़ है, वर्ल्ड ऑफ बैटल ने भी क्वालिफाई करना है तो पहले ओजी से भिड़ना पड़ेगा, और ये मुश्किल इसीलिए हो गई रावण भाई क्योंकि जहां पे दूर कहीं हर्ष उतरे थे उनको कहीं पे किसी दूसरी टीम ने रश करके फिनिश कर दिया। इग्नाइट की हालत खराब है, सास्के को समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे कैसे बीच बचाव किया जाए, और इनसेन कहीं दूर जाके दोबारा से हर्ष को रिवाइव देने की कोशिश करेंगे। रोटेशन लॉन्ग काट के निकाल रहे हैं पहाड़ी ने, रोके रखा है यहाँ पे, और पहाड़ी ने जिस हिसाब से रोके रखा है यहाँ पे वर्ल्ड ऑफ बैटल को, आई थिंक अमीन अनीस को हटाए बिना यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते। पहाड़ी रश कर रहे हैं व्हीकल लेके, ओके खुलकर खेल रहे हैं पहाड़ी क्योंकि उनको पता है क्वालिफायर्स है तो डेफिनेटली खुल के खेलेंगे। इग्नाइट के पास मुसीबतों का पहाड़, पहाड़ी नीचे लैंड कर रहे थे, सास्के बनाम पहाड़ी, स्नाइपर बनाम स्नाइपर, स्नाइपर बनाम स्नाइपर, और यहाँ पे बैकअप आया पहाड़ी नॉक, बहुत बढ़िया बैकअप। सास्के और इग्नाइट की जोड़ी ने मिलकर पहाड़ी को फिनिश कर दिया। अमीन अनीस सामने की तरफ बिल्कुल अकेले, इन दोनों खिलाड़ियों के पास मौका है रश करने का। वर्ल्ड ऑफ बैटल अभी अभी खाता खुला है, लेकिन सामने भी अगर आप देखें अमीन अनीस को सीधा रश लगाया जाएगा, सीधा रश लगाया गया, सबको रिवाइव मिल चुका है, रश किया गया है। सास्के आगे बढ़े, इग्नाइट रश कर रहे हैं सीधा, नेट लगाई सा, यहाँ पे अमीन अनीस नॉक, अमीन अनीस नॉक हो गए।
बहुत बढ़िया। और यहाँ पे इसी के साथ वर्ल्ड ऑफ बैटल आगे बढ़ते हुए पहाड़ी आए और एंटी मेटल लॉन्चर से इग्नाइट पे हमला कर दिया। वर्ल्ड ऑफ बैटल और ओरेंगुटान के बीच में यहाँ पे कमाल की फाइट चल, एक और एंटी मेटल चलने वाली है और एक और एंटी मेटल सास्के बनाम पहाड़ी। पीछे से ओल्ड मॉन्क भी आ गए, पीछे से ओल्ड मॉन्क भी आ गए, पीछे से हर्ष भी आ गए, रावण भाई पीछे से हर्ष भी आ गए, हर्ष भी आ गए पीछे से। और मॉन्क को एक ही शॉट में खत्म करना पड़ेगा हर्ष को, वरना दिक्कत हो जाएगी। मॉन्क बनाम हर्ष, और यहाँ पे मॉन्क बच गए और रिस्क में फंसे हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं हर्ष। हर्ष के पास मौका, हर्ष बनाम ओल्ड मॉन्क, बढ़िया शॉट था, सास के नॉक हुए कहीं पे। मॉन्क बनाम हर्ष, बहुत बढ़िया मुकाबला चल रहा है मॉन्क बनाम हर्ष का, एक इंटरेस्टिंग फाइट। लगातार पीछे से फायर आई, फंस गए हर्ष, नॉक हो सकते हैं हर्ष, रश किया जा रहा है, बढ़िया शॉट। और वर्ल्ड ऑफ बैटल ऑन ट्रबल, इनसेन पहुंचे, पहाड़ी या फिर मॉन्क किस पे हमला करेंगे? सीधा जाके पहाड़ी की शील्ड तोड़ने की कोशिश, पहाड़ी नॉक, पहाड़ी नॉक सामने की तरफ, ओल्ड मॉन्क अकेले सामने की तरफ, ओल्ड मॉन्क अकेले, ओल्ड मॉन्क के ऊपर नेट डाले, और डैमेज आया मॉन्क की ऑन ट्रबल। और यहाँ पे ओल्ड मॉन्क के पास सिर्फ ड्रैगन है, 1v1, इनसेन पीछे हट रहे हैं, शायद टोकन तो है नहीं इन पे। ओल्ड मॉन्क भी वहां से अगर आप देखें तो फ्रीज बैंग लगा रहे हैं, ओल्ड मॉन्क को पता नहीं है कहाँ पे है प्लेयर। और यहाँ पे थोड़ा बहुत अंदाजा इनसेन को कि ओल्ड मॉन्क किस पोजीशन में। वर्ल्ड ऑफ बैटल शायद किसी ने M187 से जो है सिक्योर कर लिया, 10-14 और ब्लू वॉल नहीं है इनसेन। अगर वेगोर इनके पास पेट है तो एक वॉल बन जाएगी जरूर, कोशिश कर रहे हैं ओल्ड मॉन्क, बात नहीं बनी। क्रोनो शील्ड दोनों ने लगाई, दोनों ने क्रोनो शील्ड लगाई, इनसेन आगे बढ़े, इनसेन यहाँ गए। इसी के साथ यहाँ पे अगर आप देखें वर्ल्ड ऑफ बैटल हैज बीन एलिमिनेटेड एंड ओरेंगुटान लीड आगे बढ़ते हुए।